मंदिर आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसने पूरे भारत की राजनीति और सामाजिक चरित्र को पूरी नई दिशा दी है। लगभग मैं कहूंगा एक यू टर्न लेने की दिशा में भारत को वो दिशा दी है। हम उसमें कितना आगे जा पाते हैं, उसका कितना लाभ उठा पाते हैं, वो एक अलग भी होता है। चीन ने 1992 में इस घटना को मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द डिकेड बोला था कि ये जो 90 और 2000 के बीच की जो डिकेड है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट हुआ है विश्व भर में, वो है राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके द्वारा गिराया हुआ ढांचा। बिकॉज इट न्यू कि इस ढांचे के गिरने से जो ये सुप्त प्राय सिविलाइजेशन है, 1.3 बिलियन है, आज हम 1.4 बिलियन है, प्रोबेबली द बिगेस्ट सिविलाइजेशन एंड विच हैज अ पोटेंशियल टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन, वो उस स्लंबर से उठ जाएगा। और ऐसे ही नहीं, ये सारे टुकड़े गैंग इनसे डरे बैठे हैं कि मंदिर आंदोलन नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, उसमें नवायन बौद्ध वाले भी होंगे, खालिस्तानी भी होंगे, मार्क्सिस्ट भी होंगे, मीडिया वाले भी होंगे, लुटियंस गैंग भी होगा, कांग्रेसी भी, जिस जिसको इनसे डर लगता है, समझ लीजिए कि कितना कितना पावरफुल ये अंदर चेतना को जागृत करने वाला ये आंदोलन है। जी अब तो फैल जी ने जैसे कहा ना मंदिरों का, आप देखिए नाउ वी आर सीइंग द सेम रिपीट काशी विश्वनाथ में और मथुरा में। सबको कोर्ट केस में उलझा दिया गया है, सबको। और उस समय तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर भी पाया था। आज कोई लिख के मुझे दे दे कि विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर सकता है या नहीं, क्या उसमें अब ये क्षमता बची है या नहीं? ये हमारी राजनीति की ऐसी परिणति और इतनी दुर्गति हो गई है कि इसने हमारे हिंदू समाज की शक्ति को ही निस्तेज करने का प्रयास किया है। इट हैज डेसिमेटेड, जिसे कहते हैं ना कास्ट्रेटेड, इमैस्कुलेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द हिंदू फोर्स। आप देखिए दिल्ली की घटना है, जहांगीरपुरी में दंगा होता है, और दंगा क्यों होता है कि विश्व हिंदू परिषद की रैली जा रही है, बजरंग दलियों की हजारों की भीड़ रैली जा रही है और उस पे हमला हो जाता है। और एकदम सिमिलर पैटर्न खरगांव में हुआ, करौली में हुआ, दर्जनों जगह देश भर में हुआ कि वीएचपी की रैली, बजरंग दलियों की रैली जिसमें हजारों की भीड़ है, उस पे हमला होता है और सब पिट के आ जाते हैं। मधु जी, दिस वॉज नॉट द केस इन 90s और लेट 80s।